सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नॉमिनेशंस हो चुके हैं और इविक्शन में मैं आपको बता देता हूं, अगर डबल इविक्शन होता है तो दीपक चौरसिया और पायल मलिक ये दोनों का कंफर्म होते हैं जाने का, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है इन लोगों के लिए दोस्तों। दीपक चौरसिया और पायल मलिक के लिए इन दोनों में से किसी एक को ही जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आई थिंक साई केतन को एक मैसेज आया है कटारिया के बारे में कि कटारिया जो है वो किसी कंटेस्टेंट्स की कॉपी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, ये एक मैसेज आया है जो हमें लाइव फीड में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये एपिसोड में ज़रूर दिखाया जाएगा। यहाँ पर अब मैं एक दोस्तों बात बताने जा रहा हूँ, अब साई केतन के हाथ में है कुछ करने का, मतलब इस इविक्शंस को रोकने का या फिर इस इविक्शन को होने देने का, है ना। साई केतन जो है वो ज़रूर चाहेगा कि उसके जो दुश्मन है उनमें से कोई इविक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें बिग बॉस बड़ा गेम खेलेंगे, है ना, जैसे नीरज को निकाला था। इनमें से मुझे गारंटी, मुझे लग रहा है पायल मलिक जो है उसका इविक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पायल मलिक का इविक्शन बहुत चांसेस है होने के। दीपक चौरसिया को निकालेंगे कि नहीं पता नहीं, मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डबल इविक्शन होता है तो दीपक चौरसिया और पायल मलिक दोनों निकलेंगे, और अगर सिंगल होता है तो दीपक चौरसिया मुझे फिर भी लग रहा है, लेकिन पायल का मुझे लग रहा है उसका, क्योंकि उसका कुछ खास गेम दिख नहीं रहा है, वही है ना। तो मुझे दीपक चौरसिया के लिए आज बुरा लगा दोस्तों, बेचारा सारा इस हालत में वो बिग बॉस के घर में आया, ठीक से खेल भी नहीं पा रहा है, और सना मकबूल उसको बार बार बोल रहा है आप बाहर आइए, बात करिए बात करिए, है ना। तो ये ठीक है, थोड़ा मुझे बुरा लगा दीपक चौरसिया के लिए, इतना बड़ा सीनियर रिपोर्टर आज इस हालत में बिग बॉस के घर में पैरालाइज है, वो उठ नहीं पा रहा है ना। तो उसका एनिवर्सरी मनाया गया, केक वेक काटा गया सूजी का, अच्छा लगा सब देख के। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो सना मकबूल है ना, ये सना मकबूल बहुत शातिर है, सना सुल्तान से भी ज़्यादा शातिर है। कैसे, ये जो है ये अरमान के साथ भी बैठती है, अरमान के दोनों वाइफ के साथ भी बैठती है ये शाम को, फिर सुबह मतलब रात को जाके ये कटारिया और विशाल और मुनीशा इन तीनों के साथ जाके अरमान की ही चुगली करती है। ये ऐसी है, ये सुबह शाम अरमान के साथ रहती है सना मकबूल, और रात को जाके कटारिया और उसके साथ बैठती है। इसका यही काम है, मैं देख रहा हूँ सना मकबूल का, इसका ये यही कर रही है इतने दिन से सबके साथ जाके। इसीलिए तो अरमान ने बोला सना मकबूल बहुत खतरनाक चीज़ है, सना सुल्तान उससे कई ज़्यादा अच्छा है, कम से कम वो हर जगह सबसे ही थोड़ा थोड़ा बात करती है वो, है ना। सना सुल्तान जो है वो अच्छी है, मुझे सना सुल्तान अच्छा लगा, अच्छी लगी मुझे। फिर भी ये सना मकबूल से, ये सना मकबूल जो है ये ख़तरनाक चीज़ है, ये हर किसी के साथ जाके बैठ रही है, ये इधर का बात इधर कर रही है, ये दोनों सना मकबूल और ये शिवानी, ये दोनों इधर का बात इधर का बात इधर कर रही है, चुगली कर रही है, गेम खेल रही है, और यही ऑडियंस को मज़ा आता है, इसीलिए ऑडियंस सना मकबूल को जाने नहीं देगी, क्योंकि वो गेम खेल रही है, गेम तो यही है ना, चुगली करना, इधर बैठना उधर बैठना, तो ये गेम खेल रही है। लेकिन सना मकबूल जीत नहीं पाएगी, ऐसे करके जीत नहीं पाएगी वो, और ऐसे करके खेल के वो जीत नहीं पाएगी, वो फिनाले तक ज़रूर जाएगी, पर जीत का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, जीत का कौन जीतेगा हारेगा, है ना। लेकिन अरमान जो है वो बेस्ट प्लेयर है, अगर वो कैप्टन बनेगा ना मस्त मज़ा आएगा। आज रणवीर के लिए अच्छा लगा मुझे देख के, वो टास्क बोलती वो शुरू हो गया, लेकिन वो जो शिवानी है उसकी इतनी एटीट्यूड है कि हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं करेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अरे भैया तुम्हारी वजह से टास्क रद्द हुआ, तुम लोग यहाँ पर पेलम पेलाई कर रहे थे, इधर दौड़ भाग कर रहे थे ब्रिज के सामने, इसीलिए ऐसा हुआ। और फिर वो नाटक कर रही थी, चल भी पा रही थी, पोलोमी को चोट लगा, उसका नीचे का जो है वो उसका जो एरिया है ना कमर का एरिया, वो चल नहीं पा रही थी, है ना, पोलोमी को ज़्यादा चोट लगा। लेकिन यहाँ पर पोलोमी की क्या गलती है कि वो जानबूझ के हील पहन के आई थी, और वो जानती थी वो गिरने वाली है ना, वो एक क्रिएट करना चाहती थी ड्रामा एक, है ना। हो सकता है ये भी हो सकता है कि पोलोमी जानबूझ के ये सीन क्रिएट करना चाहती है थोड़ा फुटेज के लिए, है ना, क्योंकि जिसको दुख चोट लगती है उसको थोड़ा फुटेज मिलता है, जैसे हमारे आयशा आपा जो थी मुनावर की, वो आके
धुर धुर करके गिरती थी और फुटेज लेती थी, है ना। तो याद है ना आयशा खान, याद है ना आपको मुनावर की जो गर्लफ्रेंड बन के आई थी, वो धुर धुर करके गिरती थी। ये पॉलोमी थोड़ा ये करने की कोशिश, लेकिन पॉलोमी को चोट लगा था दोस्तों, तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो बाकी का ये शिवानी का मुझे एटीट्यूड, मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, ये जो बोले हमारा ऑडियंस हमारे साथ है। भैया ऑडियंस जो है ना सब बड़े यूट्यूबर के साथ है, आप अकेले यूट्यूबर नहीं है बड़े यहाँ पर, यहाँ से बड़े यूट्यूबर आके गए यहाँ पर, और भी बड़े से बड़े यूट्यूबर है बहुत बाहर जिनका इतना घमंड नहीं है। आप जिस भी यूट्यूबर बहुत है सारे, अब राउंड टू हेल को देख लीजिए, वो कैसे बात करते हैं इंटरव्यू में, वो कितना हम्बली बात करते हैं, वो ऐसे नहीं करते ऑडियंस मेरी है जनता मेरी है। लेकिन शिवानी जो है ज़्यादा ही कर रही है, मेरी जनता मेरे साथ है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी अकेले वो कैमरा में देख कर बात कर रही थी। तो इससे कुछ नहीं होने वाला भैया, तुम्हें बस एक वो तुम्हारी आवाज़ जो है ना इसकी वजह से तुम्हें कुछ देर तक रखेंगे फिर निकाल देंगे। जब तक बोरिंग ना हो जाए जनता, जब तक बिग बॉस वाले बोरिंग ना हो जाए ना, तब तक तुम्हें रखेंगे यहाँ पर शिवानी को एंटरटेन कराने के लिए। अब तो वो चुप भी हो गई आज से, झगड़ा भी नहीं करती जब से पॉलोमी के साथ उसका झगड़ा हुआ है। वो गाली वाली दे दिया पॉलोमी ने थोड़ा, कि तू मेरे जैसी 7 जन्म तक नहीं बन सकती, ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ठीक है बात है ये, मैं मानता हूँ पॉलोमी को चोट लगा, उससे मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात ये है कि अब जाएगा कौन इविक्शन, साई केतन क्या करेंगे, साई केतन को क्या फिर से मिलेगा कोई पावर इविक्शन को रोकने का, या फिर इविक्शन को बदलने का, या फिर ट्विस्ट लाने का, क्या करेंगे साई केतन, यही देखने में मज़ा आएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा, साई केतन क्या करेंगे। बाकी मुझे लग रहा है पायल और दीपक चौरसिया इन दोनों में से किसी का इविक्शन होने वाला है। और अभी हम आते हैं और हमारे और एक चंद्रिका दीदी, ये क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी रो देती है, कभी कभी क्या करती है ये, मतलब बड़ा पाव गर्ल जो है, ठीक है उसको भी फुटेज नहीं मिल रहा है अभी कुछ दिनों से, क्योंकि किचन एरिया से वो बाहर है अभी, है ना। तो किचन से इतना दिन तो वो किचन में थी, तो थोड़ा फुटेज वगैरह उसको मिलता था चंद्रिका को, अभी फिलहाल उतना फुटेज नहीं मिल रहा है क्योंकि वो किचन से बाहर है। कोई बात नहीं, नेजी और विशाल जो है वो निकल जाएंगे किचन एरिया से जल्दी। यहाँ पर आज हम बात करते हैं विश टास्क, भैया विश टास्क तो भैया रद्द हो गया, कुछ हुआ नहीं काम, आपको सबको पता है। अब देखते कल क्या टास्क होगा, कल कुछ टास्क वास्क होगा क्योंकि गार्डन एरिया के लाइट्स बंद है। क्या कल वीकेंड का वार शूट होगा, पता नहीं। क्या कल वीकेंड का वार शूट होगा तो या फिर सैटरडे को अगर शूट होगा या उसी दिन लाइव दिखाएंगे वीकेंड का वार, तो लाइव फिट बंद कर देंगे जल्दी से, है ना ये लोग। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो सब सो गए हैं और ये लोग सुबह उठते हैं 10 बजे शायद, आई थिंक 10 11 10 बजे उन लोगों का अलार्म बज जाता है, तभी मैं भी उठ जाता हूँ लाइव फीड देखने 10 बजे, है ना। तो फिलहाल तो अभी लाइव फीड मैंने बंद कर दिया, वो लोग सो गए। कुछ देर पहले वो सना मकबूल अरमान की चुगली करके गई, क्योंकि अरमान और मुनीषा का झगड़ा हुआ है थोड़ा, है ना। मुनीषा बोली मुझे 1-2 दिन टाइम लगेगा ठीक होने में, यहाँ पर वो काम करने के लिए बोल रहा है अरमान जो है, वो मुनीषा को बोल रहा है बाथरूम साफ़ करने के लिए। सही है अरमान, सही है यार, बंदा सही है वो बंदा जो है, खुद दिल के खुल में। कटारिया भी उसके सामने बोलने में वो थोड़ा वो करता है, क्योंकि कटारिया को पता है ना अरमान घाट घाट का पानी पी के आया है, सबको जानता है वो, अरमान कोई कम चीज़ नहीं है। मुझे तो अरमान पसंद है भैया, मतलब मान। कटारिया से बात पूछा था कि तेरे तेरे दोस्त के सीजन में क्या कोई अगर कैमरा को देख देख कर बार बार बात करता है 1 घंटा तक, तो क्या फुटेज दिखाया जाता है। फिर कटारिया बोलता है नहीं हमारा ऐसा बात नहीं होता था, लेकिन बाद में कटारिया ने बोल दिया हाँ ऐसा होता है, एक ही फुटेज बार बार नहीं दिखाते। जैसे शिवानी जो बात कर रही थी ना, हमारा ऑडियंस है, हमारा ऑडियंस है भाई, तुमसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर है बहुत, वो इतना घमंड नहीं करते अपने ऑडियंस से। राउंड टू हेल को देखा कभी घमंड करते हुए, है ना, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है, नाम ले लूँगा ना। राउंड टू हेल को देखिए, वो भी तो यूपी से आए हैं, मुरादाबाद से, यूपी से आप अकेले नहीं आई है शिवानी जी, राउंड टू हेल भी यूपी से आए, देखिए उनका स्ट्रगल कैसे आए वो, है ना, तीनों दोस्त कैसे आए वो, है ना, जैन सेफी, नजीम अहमद, जो भी है मैं दूसरा का तीसरा, तीन लोग है वो, मैं तीसरा का नाम भूल जाता हूँ क्या है। तो वो लोग भी मुरादाबाद यूपी से आए हैं स्ट्रगल करके, वो लोग दिखाते हैं मेरी ऑडियंस ये है, मेरी ऑडियंस वो है। तो शिवानी जी आप थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने यूट्यूब, ठीक है आपके फॉलोअर है कम, एज में आपको ज़्यादा फॉलोअर मिल गया, आपने थोड़ा ज़्यादा ही गरीबी दिखा दिया होगा गांव का, क्योंकि आजकल जो है आप अगर आप यूट्यूब में गरीबी और थोड़ा गांव का खेत खेत वगैरह ये सब दिखा देंगे ना, आपके व्यूज़ आ जाएंगे। सबके नहीं आते, कुछ लोग आते हैं लेकिन सबके नहीं आते। तो उसने सही टाइम पे सही निशाना मार दिया शिवानी ने, तो कर गए। तो यहाँ पर अब पॉलोमी की बात आती है, पॉलोमी ने शायद, मुझे ऐसा लगा था कि वो नाटक कर रही थी, लेकिन नहीं, पॉलोमी को लगा चोट। बाकी और किसके बारे में बात करें यार, कोई तो है ही नहीं जो गेम खेलता है, साई केतन है जो अच्छा है,
बाकी और है कौन, कुछ तो है ही नहीं हो रहा यहाँ पर। बाकी दो है, अब गेम उतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि क्या ही मज़ा आएगा बताइए ना। नॉमिनेशंस भी हो चुके हैं, 7 लोग नॉमिनेटेड है, इनमें से दीपक चौरसिया और हमारे वो जो हमारे पायल मलिक। सना सुल्तान नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता वो जाएगी। कटारिया भी बोल रहा था सना सुल्तान नहीं जाएगी। ये जो हमारे वो भाई है, ये दीपक भैया, दीपक चौरसिया और ये पायल मलिक, ये दोनों में से किसी का इविक्शन होने वाला है। डबल इविक्शन होगा तो दोनों जाएगा। और अगर फिर से साई केतन के हाथ में दे दिया पावर बदलने का कुछ, तो भैया वो बदलेगा, कुछ ना कुछ करेगा। फिलहाल आज तो जो जो मैसेज आया है साई केतन के पास, 2-3 बार मैसेज सीक्रेट मैसेज आया, वो दिखाया नहीं गया है, वो कल दिखाया जाएगा एपिसोड में। क्योंकि हर चीज़ हर सब कुछ दिखा देगा तो एपिसोड में क्या दिखाएंगे बताइए, है ना। वो भी तो एक रूल है ना उनका। ठीक है, हमने पैसे भरे प्रीमियम पर, हमने उतने पैसे नहीं भरे, हमने कितने भरे, 89 रुपीज़ और 29 रुपीज़ आई थिंक का पैक है वो जियो सिनेमा का प्रीमियम का, है ना। तो उतना में उतना ही मिलेगा हमको, है ना, और ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसमें दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल है, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। मेरा चैनल है, और भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो भी अपडेट्स देते रहते हैं, वो लोग उनके चैनल भी देखिए, मेरा चैनल भी देखिए। देखिए मैं अपने ऑडियंस को सब बोलता हूँ, आपको जिसका रिव्यू पसंद है उसका देखिए, मैं ये नहीं बोलता मेरा रिव्यू ही देखिए। मेरा रिव्यू क्या होता है, मेरा रिव्यू थोड़ा अलग टाइप का होता है, मैं थोड़ा अलग तरीके से रिव्यू करता हूँ, और मैं थोड़ा क्या बताऊँ अब, मुझे थोड़ा मैं जेन्युइनिटी रखता हूँ अपने रिव्यू में। जो जैसा है मैं वैसा ही बोलता हूँ, किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ मेरे चैनल पे मैं, है ना। जो जैसा है, जो स्ट्रगल करके आया है, मैं उसी का साथ देता हूँ। मैं मानता हूँ शिवानी ने स्ट्रगल करके आया है, वो यूपी से कानपुर से वो स्ट्रगल करके आई है, लेकिन स्ट्रगल करके आके इस तरीके से टोनैलिटी से बात करना अपने सीनियर से, है ना, किसी से भी, जैसे वो रणवीर शोरे इतने बड़े एक्टर को वो शराबी बोल रही है, अरे नेशनल टीवी में वो रणवीर शोरे को शराबी बोल रही है, तो ये ठीक नहीं है ना। आप एक ठीक है, आप एक बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर, मुनावर आया, एलविश आया, वो ऐसा नहीं बोलते थे किसी को, है ना, बड़े बड़े लोग आके गए यहाँ पर। पर इसका इतना ही शिवानी का क्या है, मतलब ठीक ही बोला घर वालों ने, इसका ज़्यादा ही हो रहा है अब, है ना। बोलता है ऑडियंस ऑडियंस, भाई ऑडियंस हर किसी के साथ हर वक्त नहीं रहती, ऑडियंस देखेगी तुम्हारा, है ना। मतलब ठीक है, एक चीज़ पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। फिर अब बात आते हैं किसके बारे में और बात करें बताइए, है ना। सब तो क्या बताए, सब सो चुके हैं अभी लाइव फीड में। चलिए मैं भी सोने चलता हूँ, थैंक यू भाई। किसी फैंस कुछ बुरा लगे तो सॉरी, डबल इविक्शन होने के चांसेस है, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो इविक्शन नहीं होगा शायद, क्योंकि एक इविक्शन ऑलरेडी हो चुका है नीरज का, आई थिंक और एक प्रेशर नहीं डालेंगे अभी, और अगर डालेंगे, अगर उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, वाइल्ड कार्ड लाना है किसी को, तो वो ज़रूर करेंगे, या एक्सटेंड करेंगे क्या नहीं पता, वो नहीं है ना, देखते। चलिए थैंक यू भाई, किसी फैंस कुछ बुरा लगे तो सॉरी।